29 जुलाई 2020 राफेल का फर्स्ट बैच इंडिया में डिलीवर हुआ, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर राफेल थे। इन फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस का हिस्सा बनाया गया और कमांडिंग ऑफिसर का चार्ज ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को दिया गया। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने ही फ्रांस में राफेल इंडक्शन पायलट, फ्लाइट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की टीम को लीड किया था, पर चार्ज लेने के 7 महीने बाद ही ग्रुप कैप्टन सिंह का ट्रांसफर अम्बाला से शिलोंग हो जाता है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऐसे में एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने सभी स्पेकुलेशंस को रिजेक्ट करते हुए बताया कि ग्रुप कैप्टन सिंह का एक्सपीरियंस राफेल की सेकंड स्क्वाड्रन को सेटअप करने में लिया जा सके, इस कारण से ये ट्रांसफर किया गया है। 21 अप्रैल को राफेल के 5th बैच की डिलीवरी की गई, जिसके साथ ही राफेल की फर्स्ट स्क्वाड्रन कम्प्लीट हो गई। दरअसल एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। फर्स्ट स्क्वाड्रन कम्प्लीट होने के बाद एयरफोर्स स्टेशन हाशिमारा को सिलेक्ट किया गया एज बेस ऑफ राफेल सेकंड स्क्वाड्रन। और आज की वीडियो में हम एयरफोर्स स्टेशन हाशिमारा बेस के सिग्निफिकेंस को देखेंगे और साथ ही जानेंगे आखिर क्यों राफेल को हाशिमारा एयरबेस में मौजूद 101 स्क्वाड्रन फैल्कन्स में ही इंडक्ट किया गया। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ IAF। इंडियन एयरफोर्स के लिए हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है। इस एयरबेस की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडो भूटान बॉर्डर के काफी पास लोकेटेड है और ये चंबी वैली से सबसे क्लोजेस्ट इंडियन एयरबेस है। चंबी वैली द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, भूटान एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद 1963 में इस एयरबेस को वेस्ट बंगाल के सब हिमालयन रीजन में एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया गया था और 7th अप्रैल 1963 में ये एयरबेस ऑपरेशनल हो गया था एंड द फर्स्ट स्टेशन कमांडर वॉज विंग कमांडर DG किंगली। इस एयरबेस ने 1965 और 1971 इंडो पाक वॉर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। हाशिमारा एयरबेस इंडियन एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन का घर था, दैट इज नंबर 22 स्क्वाड्रन स्विफ्ट इक्विप्ड विद नेट्स फाइटर जेट्स एंड नंबर 222 स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स इक्विप्ड विद SU-7। ये दोनों स्क्वाड्रन ही 16th विंग एयरफोर्स ईस्टर्न कमांड का हिस्सा थे। बाद में 22 स्क्वाड्रन स्विफ्ट एंड 222 स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स इन दोनों स्क्वाड्रन को इक्विप्ड किया गया विद MiG-27 फ्लॉगर एयरक्राफ्ट। MiG-27 फ्लॉगर एयरक्राफ्ट के डीकमीशन होने के बाद नंबर 222 स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इक्विप्ड कर दिया गया और प्रेजेंटली ये एयरफोर्स स्टेशन थांजावुर में बेस्ड है। 2021 के स्टार्टिंग में हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में मेजर अपग्रेड किए गए हैं और अब ये स्टेशन राफेल की सेकंड स्क्वाड्रन का बेस है। इंडियन एयरफोर्स ने 28 जुलाई को राफेल की सेकंड स्क्वाड्रन को फॉर्मली इंडक्ट कर लिया था। हाशिमारा में राफेल की मौजूदगी इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होगी क्योंकि अब इंडिया तिब्बत और साउथ चाइना सी दोनों में चाइनीज मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है। आपको क्या लगता है, इंडियन एयरफोर्स को राफेल के सेकंड स्क्वाड्रन को रेस करने के लिए अपने किसी दूसरे एयरबेस को चयन करना चाहिए था या हाशिमारा एयरबेस ही बेस्ट ऑप्शन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।